like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं KTM RC125 को Yamaha R15 V3 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। दोस्तों, कंपैरिजन का मेन पॉइंट है बाइक का लुक्स और बॉडी डिजाइन। KTM RC125 में आपको सेम RC200 की तरह ही डिजाइन मिलता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं इसके डिजाइन से रिलेटेड। बाकी दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि इसके डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए था, क्योंकि RC का डिजाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। मतलब आप इस डिजाइन को बहुत समय से देखते आ रहे हो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि RC125 में आपको कंप्लीट बाइक की बॉडी पर न्यू स्पोर्टी ग्राफिक्स मिलता है, जो बाइक को काफी आई कैची लुक देता है। और इसमें आपको दो नए कलर्स के ऑप्शन भी मिलते हैं, पहला ऑरेंज एंड ब्लैक और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट। और हाँ दोस्तों, RC125 का कौन सा कलर आपको पसंद है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और दोस्तों, इन दोनों ही बाइक्स में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों ही बाइक्स आपको फुली फेड में अवेलेबल होती है, जो कि एक शार्प स्पोर्टी अपीयरेंस देती है। दोस्तों, यामाहा R15 V3 का जो लुक और डिजाइन है वो सीधा सीधा RC125 को टक्कर देता है। वो इसलिए क्योंकि R15 V3 एक रेस ट्रैक बाइक है, एरोडायनामिक इसका बॉडी डिजाइन है, जिससे अगर आप बाइक को स्पीड में भी राइड कर रहे हो तो वाइब्रेशन जैसी कोई भी चीज इसमें आपको फील नहीं होगी। दोस्तों, कंपैरिजन का एक और मेन पॉइंट ये है कि दोनों ही बाइक्स का प्राइस पॉइंट लगभग सेम ही है। RC125 का प्राइस है 1,47,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस होगा वो लगभग 1,60,000 हो जाएगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। R15 V3 का जो प्राइस है वो है 1,62,000 ऑन रोड दिल्ली। तो प्राइस में आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही बाइक्स के इंजन सेगमेंट में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। KTM RC125cc के सेगमेंट की बाइक है और Yamaha R15 V3 155cc के सेगमेंट की बाइक है। दोनों ही बाइक्स के इंजन और इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो KTM RC125 में आपको मिलता है 124.7cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व DOHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जिसमें आपको मिलता है 14.5 PS एट 9,250 RPM का पावर और 12 Nm एट 8,000 RPM का टॉर्क। और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 6 मिलते हैं। यही बात किया जाए R15 V3 के इंजन के बारे में तो इसमें आपको मिलता है 155cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें आपको मिलता है 19.3 PS एट 10,000 RPM का पावर और 15 Nm एट 8,500 RPM का टॉर्क। तो दोस्तों, R15 V3 का पावर KTM RC125 के मुकाबले ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि R15 V3 155cc के सेगमेंट की बाइक है और RC125cc के सेगमेंट की बाइक है, इसलिए 30cc ज्यादा होने के कारण R15 V3 का पावर KTM RC125 के मुकाबले ज्यादा है। और नंबर ऑफ गियर्स दोनों ही बाइक्स में आपको 6 मिलते हैं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल RC125 में आपको सेम RC200 का मिलता है, डिजिटल कंसोल विथ ऑरेंज बैकलाइट। और R15 V3 में आपको LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले के साथ। दोस्तों, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के कारण जो LCD कंसोल की विजिबिलिटी होती है वो आपको डे और नाइट में काफी अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन R15 V3 के कंसोल के मुकाबले RC125 के डिजिटल मीटर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम कुछ ऐसा है कि RC125 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और R15 V3 में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन RC125 में जो आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है वो बॉश कंपनी का मिलता है। दोस्तों, बॉश ब्रांड के ABS काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं, और R15 V3 में आपको नॉर्मल ABS मिलता है, लेकिन ये है कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल चैनल ABS भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है।
माइलेज आप RC 125 से अराउंड 40 टू 45 तक का गेन कर सकते हो और R15 V3 से आप 35 टू 40 तक का गेन कर सकते हो। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। दोस्तों सस्पेंशन सेटअप RC 125 में आपको फ्रंट में 43mm के WP USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं और रेयर में WP मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। R15 V3 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं और रेयर में स्विंग आर्म मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। दोस्तों WP सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के मुकाबले काफी फ्रीली वर्क करते हैं, तो RC 125 में आपको काफी अच्छे सस्पेंशन मिल जाते हैं। टायर्स के बारे में बात किया जाए तो R15 V3 में आपको फ्रंट में 100x80 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंच व्हील साइज और 282mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और रेयर में आपको 140x70 का टायर साइज मिलता है और 220mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। RC 125 में आपको फ्रंट में 110x70 का टायर साइज मिलता है और 300mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और रेयर में आपको 150x60 का टायर साइज मिलता है और 230mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और दोनों ही व्हील्स आपको 17 इंच के मिलते हैं। तो RC 125 के टायर्स R15 V3 के मुकाबले काफी ज्यादा मोटे हैं, जिसके कारण जो बाइक है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक लेना बेहतर होगा। अगर आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए जिसका बॉडी डिजाइन भी एरोडायनेमिक हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप R15 V3 लें, लेकिन अगर आपको एक ज्यादा फीचर वाली बाइक चाहिए जिसका लुक्स भी काफी अच्छा हो और ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी अच्छा रहे जिससे आपकी सेफ्टी हमेशा बनी रहे, तो इन सब चीजों के लिए KTM RC 125 एक बेस्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। अभी के लिए थैंक्स।